played a big part as a messenger and representative of Chaitanya Mahaprabhu. Now, I shall recite a few quotes by Srila Prabhupada. Simple living and high thinking. We are not interested in any material comforts of life. गोरेगांव पूर्व ओबेराय मॉल के सामने गौ ग्राम महोत्सव का आयोजन, यह देखिए भव्य रूप से रामकुमार पाल एवं उनके सहयोगी संजय अमन द्वारा 12 से 18 अक्टूबर के बीच किया गया है। गौ भारती द्वारा यह आयोजन किया गया है। गौ ग्राम के आयोजन का मूल मकसद गाय इकोनॉमी को मजबूत करना है ताकि देश का किसान संपन्न हो जाए। मुंबई में रहने वाले बच्चों को गाय से उत्पन्न होने वाले पदार्थों की पूरी जानकारी देने हेतु यहाँ कई स्कूलों के बच्चों की व्यवस्थित यहाँ पे परिचर्चा कराई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर, स्थानीय विधायक सुनील प्रभु उपस्थित थे। उन्होंने भी इस आयोजन की खूब तारीफ किया। आइए आपको सुनाते हैं उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा है। उन सारे लोगों का सम्मान हम इस दो गुच्छे के द्वारा आप सभी तक पहुंचा रहे, धन्यवाद, जय हिंद। ये आमंद और राम पाजन दोनों ने एक मुंबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय नगरी है, हमारा संबंध जो गौ से आता है खाली उनका दूध हम लेना है और दूध पाके चाय कॉफी और दूध सेवा, एक गौ के बारे में मुंबई वासी ज्यादा जानते नहीं और इसलिए ये यहाँ कार्यक्रम होना उचित था। गौ माता तो है ही, लेकिन उसके मार्फत जो मेडिसिन मिलती है उसकी जानकारी और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जानकारी, ये प्रदर्शन से सारे दुनिया को तो यहाँ एग्जीबिशन होने के बाद समझ आई। लेकिन जैसे कि गायों को आजकल मार दिया जाता है, कोई रखता भी नहीं है, लोगों की कार देते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? गाय की हत्या, हत्याबंदी, गाय वो हत्या के बारे में कड़ी सब जगह कायदा की है। मन को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि उसका जो गो भारत भारती ये वृत्त पत्र है उसके माध्यम से उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। रामपाल मेरे मित्र उसके संयोजक रहे और पहले दिन से अब आज तक बहुत अच्छा उत्साह लोगों में है। एक अच्छा नृत्य बच्चों के द्वारा यहाँ पर हुआ है, राधा और कृष्ण की रास क्रीड़ा हमें देखने मिली है और जिस तरह से ये गाय के माध्यम से उत्पादित होने वाले पदार्थ बेचने के स्टॉल है, इसके कारण हम किसानों को आर्थिक क्षमता देने का काम भी कर रहे हैं। गौ ग्राम का है, गौ इकोनॉमी खड़ा करने का उद्देश्य है और केंद्र सरकार राज्य सरकार का इसमें सहकार है और ये पहला प्रथम प्रयास था और सब लोगों ने अच्छा साथ दिया। हमारे सामाजिक ने जो आगे के नेता लोग हैं हमारे सब हमारे स्टेज पे आए और थोड़ा उत्साह हमारा बढ़ा है और ये आगे भी हमारे करने की योजना है। गौ इकोनॉमी, गौ के प्रोडक्ट्स जब बिकेंगे तो पैसे किसानों तक जाएंगे, इसके लिए गौ इकोनॉमी खड़ा करने का हम लोगों ने और 8 साल से गौ राष्ट्रीय पत्रिका भी निकलती है हमारी स्वयं, मैं उसमें संरक्षक हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब आए इस इवेंट को कवर करने के लिए। गौ भारत भारती भारत का पहला ऐसा अखबार है जो गौवंश की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, किसानों और गौ पालकों की बात करता है। उनकी आवाज़ बनकर के ये अखबार पिछले 8 वर्षों से निरंतर काम कर रहा है। गौ ग्राम महोत्सव द फेस्टिवल ऑफ काउ, काउ बेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा एक प्रयास है और इस प्रयास में सारे समुदाय के लोग, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सभी लोग जुड़ रहे हैं, उनका अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ बेस इकोनॉमी क्या है। असल में आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर गौ धन जो था उसी से हमारी इकोनॉमी आके जाती थी। आज बदलते परिवेश में आज ये ज़रूरत है कि हम गौ बेस इकोनॉमी को खड़ा करें। गौ बेस मतलब जो गौ माता से बनने वाले तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं, आज हम खाली दूध, घी और तमाम तरह के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वही जानते हैं, बाकी कम से कम तो हजारों प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो लोगों की पहुंच से दूर है। कारण ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जन जागृति नहीं है। अगर हम जन जागृति लाने में कामयाब हो गए
तो हमारे देश के अंदर गौ पेशी इकोनॉमी खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। और आज जन जन तक ये अभियान लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से हम सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी और तमाम गौपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए काउ बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। काउ बेस्ड इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर हम डिमांड हमारी बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो पैसा जो क्रिएट होगा मार्केट से, वो पैसा सीधा किसानों के पास जाएगा, वो सीधा पैसा गौपालकों के पास जाएगा। इससे हमारे गौ धन जो है, गौ माता का संवर्धन होगा, उससे गौपालकों, गौ किसानों को लाभ मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति अपनी गौ माता को खुला नहीं छोड़ेगा, गौशालाएँ स्वावलंबी बनेंगी और उनका संवर्धन होगा।